तो आज की इस वीडियो में जिस मूवी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से 2022 की सबसे ज्यादा अंडररेटेड मूवीज में से एक है। ये मूवी एक ऐसी मूवी जो कि मेरे रिडार से बिल्कुल निकल चुकी थी और ना ही इसके ऊपर कोई बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी कास्ट को देखा जिसके अंदर लीड में ब्रैड पिट मौजूद हैं, हमारे पास यहाँ पे कमिको मौजूद है दी बॉयज़ वाली, माइकल शैनन जो कि जनरल जॉर्ड का रोल प्ले करते हैं, एरन टेलर जॉनसन जो कि क्विक सिल्वर का रोल प्ले कर चुका है, ब्रायन हेनरी जो कि मार्वल की रिटर्नल्स के अंदर फेस्टॉस का रोल प्ले करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे सैंड्रा बुलॉक जो कि एक बहुत ओजी एक्ट्रेस है जिनको हमने बर्ड बॉक्स के अंदर देखा था। तो मैंने बोला कि आखिरकार एक मूवी जिसका ट्रेलर इतना ज्यादा मजेदार लग रहा है, जिसकी कास्ट इतनी ज्यादा हैवी है, तो आखिरकार उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने इसको वन शॉट देने का फैसला करा और ये बात मानने वाली कि इस मूवी को देखने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल हिल के रह गया कि आखिरकार मैंने ऐसी जबरदस्त और औसम मूवी जो कि आर रेटेड एक्शन कॉमेडी है वो मेरे रिडार से मिस कैसे हो सकती है। सो गाइस, दिस इज पीटर टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 2022 की सबसे ज्यादा अंडररेटेड आर रेटेड एक्शन मूवी को, जो कि शायद आप लोगों ने भी मिस कर दी हो। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज के इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मेरे इंट्रो से अंदाजा हो ही गया होगा कि आखिरकार इस पूरी की पूरी मूवी की कास्ट कितनी ज्यादा हैवी है, और इतनी ज्यादा हैवी मूवी की कास्ट होने के बावजूद ये क्यों नहीं चली, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि इसकी स्टूडियो की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि इस मूवी की प्रमोशन बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं की गई जिस लेवल पे इसको करना चाहिए था प्रमोट। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं हो जाती कि ये मूवी बेकार थी या टाइम पास थी, शायद इसलिए स्टूडियो ने उसके ऊपर रिस्क नहीं लिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी ज्यादा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग और मजेदार स्टोरी के बावजूद भी उन्होंने ये रिस्क क्यों नहीं लिया। इसके अलावा अगर मैं इस पूरी की पूरी मूवी की स्टोरी के ऊपर पहले बात करता चलूँ, क्योंकि कास्ट के ऊपर तो आप ऑलरेडी मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे कास्ट मेंबर बहुत ज्यादा औसम थे, लेकिन उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। तो स्टोरी मूवी की जो है, जैसा कि मूवी का नाम बुलेट ट्रेन है, तो जापान के अंदर ये मूवी पूरी की पूरी टेक प्लेस करती है, जहाँ पे पूरी की पूरी मूवी की स्टोरी एक बुलेट ट्रेन से शुरू होती है और ख़त्म भी उसी के ऊपर होती है। ये उन मूवीज़ की तरह है जहाँ पे बेसिकली हर कैरेक्टर जो एक दूसरे कैरेक्टर को जानता नहीं, लेकिन एट द एंड मूवी के आने आने तक वो सब सारे के सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, और वो सॉर्ट ऑफ आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली फील देते हैं कि यार ये छोटी सी डिटेल भी मूवी के एंड में आके कनेक्ट हो रही है। तो इसकी स्टोरी आप कुछ इसी तरीके से समझ लीजिए। उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा वेल प्लेस्ड कॉमेडी का तड़का लगाया और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा धनिया पाउडर छिड़क दिया, मेरा मतलब आर रेटेड। और आर रेटेड इस मूवी को जैसे ही उन्होंने करा तो इस मूवी को 4 चांद लग गए, और उन्होंने आर रेटिंग का गलत इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया, वो सड़े मड़े टेढ़े मेढ़े सीन्स दिखाने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना, इन्होंने आर रेटिंग का इस्तेमाल करा ऐसे खून खराब और एक्शन दिखाने के लिए, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। तो इसलिए इसकी पूरी की पूरी स्टोरी, आर रेटिंग और कॉमेडी का जो तड़का था, मेरे हिसाब से वो अब तक का बेस्ट कॉम्बो जो कि मैंने किसी भी इस तरह की मूवी के अंदर देखा है। अब बात करते हैं दोबारा से अपनी कास्ट के ऊपर। अब ब्रैड पिट की बात करें जो कि इस मूवी के लीड हैं, तो एक तरह के एजेंट होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इस बुलेट ट्रेन के अंदर भेजा जाता है। उनका काम बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान सा होता है और तकरीबन मूवी के 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो चुका होता है, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो ट्रेन से उतर नहीं पाते, और उसके बाद वो इवेंट्स होते रहते हैं और अलग अलग लोग जो ट्रेन के अंदर मौजूद होते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहते हैं, और ये स्टोरी एंड में बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा मोड़ ले लेती है जो कि आपने सोचा नहीं होगा। मतलब जितनी ज़्यादा सिंपल ये मूवी शुरू हुई थी ब्रैड पिट के साथ, उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही खत्म होती है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रायन हेनरी और यहाँ पे जो जैसन एरन टेलर थे, वो बेसिकली एक तरह के भाई का रोल प्ले कर रहे होते हैं, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं ये भी, जो कि इसी ट्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। अब इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी, इनके जो कैरेक्टर थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। खासकर एरन टेलर जॉनसन जो थे, उन्होंने एक बहुत ही बैडएस कैरेक्टर्स पूरी की पूरी मूवी के अंदर प्ले किया है, और मैं उनकी एक्टिंग का फैन होकर रह गया लिटरली, और मैं उस तरह की उनकी और भी मूवीज़ देखना चाहता हूँ। और इस मूवी को देखने के बाद मैं कैरेवान द हंटर के उनके रोल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। उन्होंने इस मूवी के अंदर जिस तरह से एक्शन और डायलॉग डिलीवरी दी है, वो कैरेवान द हंटर मूवी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट मुझे नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा बाकी की जो कास्ट थी, वो भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा शानदार थी। जहाँ पर हीरो का सनाडा जो है, जो कि हमें हर एक जापानीज मूवी के अंदर नजर आते ही हैं तकरीबन, वो तो एक बहुत ही ज़्यादा ओजी कैरेक्टर है मेरी नज़र में, और जापानीज रोल के अंदर वो बहुत ज़्यादा सूट भी करते हैं, और उनका कैरेक्टर को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया, उनके कैरेक्टर के साथ जस्टिस भी किया गया। इसके अलावा बाकी की जितनी भी कास्ट थी, कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको बोल सकूं कि इसने बिल्कुल बेकार एक्टिंग करी। हर एक कैरेक्टर इस मूवी का इंपॉर्टेंट था, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से उसने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। लेकिन ये कुछ नाम थे जिनका मैंने जिक्र करा, जिन्होंने 4 चांद मूवी के अंदर लगा दिए हैं। इसके अलावा मूवी के डायरेक्शन के ऊपर बात करूं और सिनेमाटोग्राफी के ऊपर, तो वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि जैसा कि ये पूरी की पूरी मूवी एक बुलेट ट्रेन के अंदर सिचुएटेड थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे फास्ट कैमरा एक्शन हमें देखने को मिले जो कि इस बात की हमें फील दिला रहा था कि हम वाकई में एक बुलेट ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। और उसके ऊपर जैसा कि मैंने कहा कि आर रेटिंग का तड़का, यहाँ पे आपको जो है गन्स, बुलेट, हथौड़ा, कैंची, चाकू, सबसे लेके आखिर में समुराई तलवार तक देखने को मिल जाती है, और वो ऐसा नहीं है कि तलवार आपके सिर्फ सीने में घुसा दी, बल्कि लिटरली उससे हाथ पांव काटे जा रहे थे, तो और सब कुछ साफ दिखाया जा रहा था, और यही मेरा पूरा का पूरा फेवरेट पार्ट था इस मूवी का। इसी के अलावा इस मूवी के एक और मेंबर थी जिसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना भूल गया हूँ, जो कि जोई किंग प्ले कर रही थी, जिसका नाम प्रिंस था इस मूवी के अंदर, और वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जिन्होंने एक्टिंग के अंदर सबसे अपना बेस्ट दिया है वो यही कैरेक्टर था।
मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा ना, वो स्पॉइलर कैटेगरी में जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी के अंदर जाएं, देखें इनकी एक्टिंग को और फिर मुझे कमेंट में आके बताएं क्या मैंने ये बात सही कही थी या नहीं कही थी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसकी एक्टिंग को देख के आपका दिमाग भौंकला जाएगा। खैर, इसी तरह एक्शन जो था इस पूरा का पूरा मूवी का वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच किस्म का था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। CGI के ऊपर काफ़ी अच्छा खर्चा किया गया था, कहीं से भी बिल्कुल सस्ती वाली मूवी नहीं लग रही थी। मूवी के स्कोर्स और गाने वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं इस पूरी की पूरी मूवी को मज़ेदार बनाने के अंदर। जिस तरह की सिचुएशन थी ठीक उसी तरीके का गाना आ रहा था, और मैंने जैसा कि बताया कि मूवी जापान के अंदर थी तो जैपनीज गाने हमें सुनने को मिल रहे थे और वो हर एक सिचुएशन के अंदर बहुत फिट बैठ रहे थे। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार कोई इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा, और मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो तो लाजमी बनानी ही चाहिए। और रही बात रेटिंग की, तो उसको IMDb और रोटेन टोमेटोज में भी एक अच्छी खासी रेटिंग मिली है जो कि इसको एवरेज से ऊपर ही रखती है। और अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल रेटिंग लेना चाहेंगे इस मूवी के हवाले से तो मैं इसको 9 Tigers out of 10 देना चाहूंगा। मेरी नज़र में ये बहुत ही ज़्यादा एक सॉलिड मूवी थी, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मूवी थी, और इसकी स्टोरिंग आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होगी। ये ऐसी मूवी है कि आपका दिल नहीं चाहेगा कि ये मूवी कभी खत्म हो, बल्कि आपका दिल चाहेगा कि अभी कुछ और सीन्स आए, अभी कुछ और ट्विस्ट आ जाओ, कभी खत्म ही ना हो। लेकिन क्योंकि ये मूवी है तो उसको खत्म तो एक ना एक दिन होना ही था ना। और जब ये मूवी खत्म हुई तो उसके हर एक कैरेक्टर के साथ, हर एक मूवी स्टोरी के पार्ट के साथ मेरी अपनी फीलिंग्स जुड़ चुकी थी। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की मूवीज़ को और ज़्यादा बनाना चाहिए, जहाँ पे हमें एक पूरी की पूरी यूनिवर्स को बिल्ड नहीं करें, बल्कि एक ऐसी मूवी बनाएं जो कि हम एक बार देखें और उसको इन्जॉय कर सकें, और ना ही हमें उससे पहले कुछ जानने की भी ज़रूरत पड़े और ना ही उससे आगे जानने की कोई ज़रूरत पड़े। इस मूवी की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसके अंदर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कैरेक्टर आपको ऐसा नहीं फील होगा कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ पर ला के डाल दिया गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। हर एक कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी आपको दी जाएगी और यही इसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट बात है। तो अगर मैं बुलेट ट्रेन के पूरे रिव्यू को समराइज करूँ तो मैं कुछ इस तरीके से करना चाहूँगा कि एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस, इंटरेस्टिंग, आर रेटेड कॉमेडी एक्शन मूवी है जो कि इस साल की होने वाली मोस्ट अंडररेटेड मूवीज में से एक है। और अगर आप इस मूवी को नहीं देख रहे हैं तो लिटरली आप सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये मूवी जो है एक ज़बरदस्त तरीके का टाइम पास है, उसके अलावा आप इस मूवी के साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे जैसा आपको फील होगा कि आप उसको काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं और इन कैरेक्टर्स को बहुत टाइम से जानते हैं, जबकि आपने उसको सिर्फ इसी मूवी के अंदर देखा है। तो इसलिए ये मूवी मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, विद दैट बिंग सेट, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा रिव्यू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने भी इस मूवी को देख लिया होगा, और नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखेंगे। तो आप लोग अपना कमेंट में रिव्यू मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम और इस तरह की ऑसम वीडियोस देखना चाहते हैं जहां पे मूवी रिव्यूज, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स, फैन थ्योरीज और अलग अलग चीजों के ऊपर बात कर रहे होते हैं जो भी पॉप कल्चर या मूवी से रिलेटेड होती है, तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा जहां पर मैं इस तरह की अपडेट से न्यूज आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।